तो आप देख रहे थे क्राइम पेट्रोल और आज हम आपके साथ स्टूडियो के उतर। अच्छा, जा रहे हैं प्रीत दा ढाबा कोथरूड में, एक मस्त पंजाबी कुजीन का होटल है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम सब लोग, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। हेडू डेडू डे ओ, दो जने इधर आ जाओ और तुम दोनों इधर आ जाओ। क्या खाना, क्या अच्छा है भैया? एक दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, एक छोले कुलचे, एक आलू पराठा और बाकी रोटियां, है ना? नान नान लगा दो, लच्छा पराठा, दो बटर नान कर दो, दो लच्छा पराठा मिक्स करके दे यार, वैसे दे दो चलेगा। लस्सी है? लस्सी तो है, लस्सी बढ़िया। बहुत ज्यादा गाड़ी है या पीने लायक है? गाड़ी भी है, ट्राई करो आप। नहीं, वो चम्मच वाली नहीं, इधर गाड़ी वाली नहीं है, बहुत लस्सी जो जम भी जाती है ना, उसका चम्मच मारोगे वो वैसी हो जाती है। हां तो दे दो फिर, ऑटोमेटिकली मलाई ऊपर आती है। सात लस्सी दे दो, सात लस्सी मलाई मार के। पहले लस्सी दे दो, बाद फिर खाना आप लगा दो। एक खुशी से सौरभ मैं और कानों में समझ पा रहे हैं और आधी खुशी नमन समझ पा रहा हूं। नमन को कल मैंने बोला, नमन तू तो बीच का है, ना नॉर्दर्न एयर है ना सदर्न एयर है, ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, बीच का है। इतना टाइम हो गया पीले में, ऐसी होती है लस्सी बहुत बढ़िया, बहुत आने के बाद ही देंगे जो देंगे एक साथ। कैसी है? लाजवाब अच्छे ना, घर जैसी है पूरी। बस सही में बहुत बहुत अच्छा खाना, मतलब दिल खुश हो गया खाके। आपका खाना वसूल हुआ इतनी दूर से? टोटली 100% खुश हो गया सर। आप अच्छे खाना दे रहे इसलिए रुके थे हम लोग, खाना खाके जैसे ही खत्म हो जाए आपसे मिल ले एक बार। स्पेशली मैं तो आने वाला था आपके वर्कशॉप पे, क्योंकि मेरी भी होटल प्रिपेयर करवाना था, इसलिए सोच रहा था आपसे एक बार मिले तो इधर ही मिली। आइए आइए, कभी भी आइए, फ्राइडे छोड़ गया। आपके सभी वीडियो देखे मॉर्निंग पर भी देखते हैं, वो भी देखते हैं सर। थैंक यू सो मच, वीडियो देखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है सीरियल का? क्राइम पेट्रोल। तो आप देख रहे थे क्राइम पेट्रोल और आज हम आपके साथ स्टूडियो के उतर। अच्छा, खाना बहुत शानदार था। तो प्रीत का ढाबा हमने रील देखी थी, हमारे ऑफिस यहाँ से करीब करीब 40 मिनट दूर है, 35-40 मिनट, फिर भी हमने डिसाइड किया चलो आज लंच नहीं लाएंगे कोई और सब उठ के यहाँ पे आगे खाना खाने। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दिल खुश हो गया। हम 7 या 8 साल से पुणे में रह रहे हैं और पंजाबी खाना खाना तो दूर चलो सुनने को भी नहीं मिलता था कहीं अच्छा मिलेगा, पर आज जेन्युइनली मतलब नॉर्थ इंडियन कुजीन जबरदस्त मिला। हमने आलू के परांठे लपेटे, हमने छोले कुलचे लपेटे, बटर नान, गार्लिक नान, तंदूरी रोटी, दाल मखनी, पनीर दो प्याजा, शाही पनीर, जो मिला सब लपेटा और सबसे शानदार थी लस्सी और खीर। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना चाहते हो, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर आओ। जगह कहाँ है वो गूगल पे देख लेना, ठीक है? थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अबे इतनी जान तेरे में ना है कि तू मेरा हाथ खोल दे। खोलो, अबे चाबी खराब हो जाएगी। जो जीतेगा वो चलाएगा, ठीक है? पीछे कहाँ जा रहा है बे? अबे ऐसे तो कोई जीतेगा ही नहीं। साले तेरी तो 1 2 क्या चीटिंग में। चलिए सर, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तू बैठ जा आगे।
बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे यार, कसम से खाना एकदम। थोड़ा सा एम्बियंस पे काम करेंगे तो मतलब दिल यार वो ढाबे वाला की अपनी मजबूरी होती है। सुन देखो अगर ढाबे का एक्सपीरियंस देगा तो तू प्राइसेस भी फिर वैसे ही ले पाएगा ना, पर जो भी वो जिस तरीके का खाना दे रहे हैं ना प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है। अग्रीड, मैं यही बोलता हूं वैल्यू नहीं समझते ना। कितने का बिल हुआ अपना? 1300 रुपीज यार। क्या बात कर, नहीं एक्चुअली ज्यादा हो रहा था पहले तो वो बिल्कुल ही पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, धंधा धंधा है, आपको भी सैलरीज देनी है, खाने में खर्चा निकलता है, रेंट होता है, सब चीजें होती है। तो उन्होंने प्यार अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है, अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। फिर उन्होंने बोला मैं लस्सी के नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा ठीक है उतना आप कर लो, पर फ्री का कोई मतलब नहीं बनता यार, आदमी इतना खर्चा चला रहा है सब चीज कर रहा है। उतनी इज्जत दी वही बहुत है यार। क्या है ना देखो हर स्टेट में हर जगह के अलग अलग लोग आके मिलके रहते हैं। अब इस तरीके का खाना नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह मिल जाएगा, बट पुणे में जो है मैंने नहीं खाया आज तक कहीं पे। इतना क्लीन पूरा देसी घी का खाना और टेस्ट एकदम जबरदस्त था और घर के खाने जैसा खाना था। मतलब हम लोग पूरा एकदम गुब्बारा हो गए सारे। अगर आपको भी वैसा तंदूरी खाना पसंद है और दाल मखनी वगैरह पसंद है, छोले कुलचे थे, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी इकोनॉमिकल, जेन्युइनली मतलब अच्छा खाना। हमारी तरफ से जगह को मिलते हैं 7 ब्रोटोमोटिव आउट ऑफ 5। खाना पूरा वेजिटेरियन है तो यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलेगा, और आए हो तो लस्सी जरूर ट्राई करना। मैंने खीर नहीं खाई, खीर कैसी थी? खीर भी बढ़िया थी, घर जैसी खीर थी, एकदम शानदार जबरदस्त। अफलातून मास्टर पीस। हम अभी इंडिविजुअली कम से कम मैं बता रहा हूँ 2500 कैलोरी खा के उठे। एक लस्सी में होगी कम से कम 300-350 कैलोरी। मैंने 2 लस्सी पी, 1 लच्छा पराठा खाया, आधा नान खाया, आधा कुलचा खाया, 1/4 आलू पराठा खाया, दाल मखनी खाई, छोले खाए, पनीर खाए, 2500 कैलोरी खा के उठे हम। तो गाइस हम वापस आते हैं हमारे चैलेंज पे 15 तारीख को, सबको वेट कम करना है। असल में और कौन इसके अंदर फिटनेस चैलेंज में कौन पार्टिसिपेंट है, हमारा जितना भी वेट है ठीक है, हम उसमें ना 5 किलो वेट कम करके दिखाएंगे और वो हम चेक करेंगे 15 मार्च को। नहीं 2 महीने का, 1.5 महीना ढाई करोगे, और जो पहले करेगा ना वो वैसे ही जीत जाएगा, 1000-1000 रुपए लगेंगे बैठ कर। असल डील नो डील। अरे 15 मार्च बोला था, साल नहीं बताया था, 2024 की शर्त है। इस हिसाब से कह रहे 2024 में ही होगा, उससे पहले तो हो नहीं रहा। देखल देख मेहनत मत करो एक्स्ट्रा, अभी देख मेहनत लगेगी, देख हट ना, ताकत नहीं है, नींद आ रही है। 2 किलो जूल एनर्जी लगेगी। हार। यार रातो हट। दस मिनट हम कौन सी मुद्रा होती है, नैन मुद्रा नहीं क्या बोलते हैं उसको, नृत्य करेंगे। बाल ऐसे रखे और आगे में पैसे लग रहा है, 1996 में पहुंच गया। क्या हुआ है झाड़ का, किधर क्या गिरा है? तू डैमेज नहीं हुआ ना? बाबू किधर है, ऊपर चढ़ सकता है तू? आ जा इधर फटाफट, एक बार चढ़ के देख जरा, बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं ऊपर ऑफिस में बैठा था, मेरे को भी बोले कि डेंटिंग एरिया में बहुत जोर से आवाज आई जैसे कुछ गिरा है। फिर हमने देखा कि पेड़ जो है वो बड़ी वाली टहनी ऊपर से गिर गई है, अभी उसको पत्रे में से हटाना पड़ेगा, देखेंगे। अरे किसी बच्चे ने चारों तरफ खोच लगा दी है, चारों तरफ सब तरफ पूरा घींच लिया है, हर पैनल पे घींच लिया है। ये काफी रिड्यूस हो जाना चाहिए, पूरा पेंट नहीं कट हुआ है इसमें, इसमें से बहुत सारा पेंट कट नहीं है शुभम, कुछ कुछ है पर मेजॉरिटी नहीं है। देख एक काम कर, इसको सैंड करवा अच्छे से, 1500, 2000, 3000, और इधर रबिंग पॉलिश कर इतने को, देख पीछे ले, इससे एक रफ आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया आ जाएगा कितना निकल जाएगा। सीढ़ी यहाँ चाहिए ऊपर चढ़ना, बाबू लगा इधर, एक लड़का ले साथ में, और देखियो किसी ने काटा है या अपने आप टूटा है क्या, वो भी देखियो। अभी तो अंतर्यामी है ना, यही खड़े खड़े पता चल रहा है, पता चल रहा है कि कैसा। जा तू जा ऊपर जा, खिलाड़ी में सिंपल
थोड़ा सा बचा है उसमें, पर इतना मेजोरिटी जो है दूर से नहीं दिखे, वो निकल गया। जो ये दाग है वो ऊपर ऊपर है, सैंड करने से मतलब बिना रिपेंटिंग के भी काफी लाइट हो जाएंगे। अगर आपको वैसे कराना है तो आप डिटेलिंग ले सकते हो गाड़ी का। ये फ्रंट डोर पेंट कराया था आपने? हाँ, फ्रंट डोर पेंट कराया था कंपनी में, सर्विस सेंटर। आपको कैसे पता चल रहा है? मेरा काम है सर रोज का। वो सफारी पे बच्चों ने पूरे निशान मार दिए थे, तो क्लाइंट आए थे गाड़ी दिखाने के लिए, इंश्योरेंस में पेंट करने के लिए। मैंने उन्हें समझाया कि सैंड करके पॉलिश करने से भी काफी लाइट हो जाएगा, और जेन्युइनली बहुत फर्क आ गया था। अब वो काम कराएंगे या नहीं कराएंगे वो तो बाद की बात है। मैंने ये दिखाया मेन इसलिए कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ आए। ये जो है ये ज्यादा डीप है, तो ये तो उतने नहीं कट होंगे, ये उतना डीप नहीं था। वैसे वो जो बच्चे ने मारे डिक्की में भी, वो भी 70-80% कम हो जाएंगे अगर आपने कराने। अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, मतलब मेजॉरिटी आप अभी जैसे देख रहे हो बिना पेंटिंग के भी काफी रिजल्ट आ जाता है, पर अगर आपको वो 100% सॉल्व कराना है फिर इंश्योरेंस में आप उसको पेंट के लिए दे सकते हो। अगर गाड़ी पर स्क्रैचेस और नाखून अंदर नहीं जा रहा है तो बहुत बार क्या होता है, अच्छे से सैंड करने से और पॉलिश करने से वो स्क्रैच निकल जाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 70-80% कम हो जाते हैं। तो रिपेंटिंग हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहाँ पर पूरा ही पेंट कट गया है, प्राइमर तक चला गया है, देन तो कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो, हाँ बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, अभी फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए। अच्छा, सो गए थे 2 घंटा। तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, एकदम फिट है। मुझे टेढ़ी क्यों काट दिया आपने? टेढ़ी क्यों? एक साइड ऊपर चलेगी थोड़ी सी। नहीं, और जो स्किन थोड़ा थोड़ा निकल गया था, क्या हुआ उसका? वो हो गया, पील ऑफ हो गया। पापा की सर्जरी बढ़िया हो गई है, एकदम ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता ही है ऑब्वियसली बॉडी को रिकवर करने में, जब भी कोई ऐसा कट या ओपन किया जाता है। आपको ठीक लग रहा है ना? कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं ना? कल हुई थी, परसों ही मशीन में थोड़ा सा वो डायफॉर्मिंग हुई थी, कल फिर सेटिंग कर लिया, बोला देख लो अभी, फिर 3 तारीख को आ रहे हो, अगर होगा तो फिर मैं फिर से दोबारा डॉक्टर को बुला के बिठा के एक बार फिर से। कल से तो हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा सारे सब्सक्राइबर्स को, फैंस को, जितने वेल विशर्स हैं, उनकी प्रेयर्स हैं और उनकी बेस्ट विशेस हैं, जिसकी बदौलत मैं जल्दी स्टैंड हुआ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सबका। उनका प्यार ऐसा ही बना रहे हमारे साथ में, उनकी दुआएं हमारे साथ में रहे, यही सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे कमेंट आए थे आपके लिए? आए थे, मैंने पढ़े बेटा, सारे पढ़े मैंने। हाँ, 2-3 दिन में वापस आ रहे हैं, और बीच में उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग को भेजे थे, जो कुछ अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो, एडमिट हो गया हूँ हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दिल्ली में। ये टैग वगैरह भी लगा दिया, कैवियो वाली कैंडुला भी लगा दिया। आज सुबह एडमिट हुए, 10:15 के करीबन हम लोग आ गए थे, तो अरेंजमेंट हुई पड़ी थी सारी। रूम में आते ही डॉक्टर अपर्णा जसवाल, जो मेरी डॉक्टर है, जिन्होंने कल चेंज करना है, पहले तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मिल लो अनिल आके, हम जा ही रहे थे तो फिर वो खुद ही आ गई। इतनी बड़ी डॉक्टर है, वर्ल्ड रिनाउंड है, मानना पड़ेगा। फिर बोलने लगी सारी बात, मैं अनिल आपके सारे वीडियो देखे, बाइक वाला वीडियो देखा, वाइफ से भी मिले बड़े प्यार से। वैसे तो नॉर्मल हूँ मैं, टेस्ट वगैरह भी सारे हो गए, ECG भी हो गया, अभी खाली मेरे ख्याल इको करेंगे। अभी लंच भी मैंने लिया, अभी खाना मैंने खा लिया। आप सबको प्रणाम, ऑपरेशन हो गया मेरा ठीक ठाक, अभी रूम में शिफ्ट किया हूँ, अभी 1 घंटा हुआ, अभी जस्ट चाय वाय पी हमने, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। ये सारी क्रैप बैंडेज वगैरह सब लगी हुई है, ये कल खोलेंगे बैंडेज वगैरह, उसके बाद कल डिस्चार्ज दे देंगे। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से एकदम ठीक ठाक हो गया सब कुछ। टिच वगैरह 8 दिन के बाद मेरे कल खुलेंगे, उसके बाद फ्लाइट की फिर टिकट अभी से ही प्लानिंग करके बुक कर लेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 तारीख को शायद हम चले जाएं अपना पुणे, फिर वहां पहुंच के आप लोगों से बात करता हूं मैं। धन्यवाद। घर गंदा होना है तो होना है, आप कुछ कर तो सकते नहीं हो अभी वहां बैठे हुए, जब आओगे तब सफाइयां कर लेना। इसका मतलब कि घर गंदा है। हां, जेम्स बॉन्ड।